हम तो अपने बच्चों को भविष्य के लिए सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हाँ हमारे बच्चे अगर हम आगे आने वाले भविष्य में कहेंगे कि हमारा बाप दादा या तो किसी ने हमारे लिए प्रयास नहीं किया, तो हम लगातार 2.5 महीने से इसके ऊपर या धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। जंग आ गया हमारा कि पंचायत की जमीन में और गुंडागर्दी और जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं तो यो ये कहूँगा भाई, अब मेरे ख्याल से वो समय आ गया है जब हमारे जो पुरखे थे उनके नियमों को आप पालन करना चालू करें। दिखाई देने की बात नहीं है, ये सब करवाते ही वो लोग हैं। अच्छा। असल में पर्पज ये है, ये सिर्फ टैक्स की बात नहीं है बल्कि जो अवैध तरीके से जो पैसा मिलता है ना, जो SP को जो हफ्ता जाता है, जो DC को जो हफ्ता जाता है और जो नेताओं को जो जाता है पार्टी फंड में जो जाता है, उसका तो आप आकलन भी नहीं कर सकते कि वो कितनी मोटी अमाउंट है। कितना दगड़ोली मशीन एंड एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंदर कल्याण। आज भाई मशीनों से हटकर एक अलग जानकारी देना चाहूँगा मैं आपको, आज एक पहाड़ की जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों मैं आपको। ये भी गांव रामलवास में आया हुआ मैं, और यहाँ पे देखिए कैसे नाश किया जा रहा है जनता की संपत्ति का। जनता की जो संपत्ति है, जो धन है, उसका कैसे नाश किया गया है वो दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों आपको। और ये देखो दोस्तों आप यहाँ से, और ये देखो भाई धरती से लगभग ये 500 फुट गहराई में ये खनन कर दिया गया है। और भाई ये देखो दोस्तों, ये देखो ये पानी का चवा है, और यहाँ मोटी मोटी जो मोटर लगा के इस पानी को खत्म कर रहे हैं। और भाई ये देखो पानी की बर्बादी, पहाड़ी की बर्बादी, और ये सब इन्होंने नाश कर दिया। आज भाई एक जनता को जगाने वाले इंसान देवेंद्र बलारा भी यहाँ पे आए हुए हैं। ये देखो ये आंखों देखी ये हाल हो रहा है। और ये देखो भाई ये नाश ही नाश किया जा रहा है भाई। तो दोस्तों ये देख लो भाई, धरती के लेवल तक पत्थर फोड़ दिया जाता है, अलग बात है, लेकिन ये देखो रास्ता कम से कम ये जो पानी दिख रहा है इससे 100-150 फुट नीचे और मतलब खुदाई कर दी है इसकी। और ये देखो ये रास्ता कितना बड़ा है, ये देखो। और चलो देवेंद्र बलारा भाई की बात बताते हैं, आगे भी है इसका। हाँ चलो, और इसका तो जैसे पत्थर इस फार्म पर भी चीड़ फूट गई, जो नहीं डाला खिड़की में देख नहीं आ रही, तो फूट नहीं है ये चीड़ फूट की पत्थर गया है इनके अंदर। ये जीव मंजन का कर ले, ये जीव मंजन गया मतलब विस्फोट किया होगा ना। अच्छा ठीक, ब्लास्ट कर गया, ठीक ठीक ठीक, उठा देगा ये नई चीड़ लग रही है। हां जो नई चीड़ लग रही है, ये जीव मंदिर का रास्ता था पूरा कर, ये मंदिर का रास्ता भी काट दिया और मंदिर आ गए आगे मंदिर आ गए। दो ट्रेन और इस खेत में मेरे पत्थर जाते हैं, उसने दो ट्रेन में पत्थर उठाए हैं इस खेत से। देवेंद्र भाई इस नाश के बारे में क्या कहना चाहोगे भाई? एक बार भाई नाश के बारे में तो क्या कहोगे, नाश के बारे में तो यही कहूंगा कि नाश से हो रहा है और तो क्या है। जंग आ गया हमारा कि पंचायत की जमीन में और गुंडागर्दी और जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा भाई, अब मेरे ख्याल से वो समय आ गया है जब हमारे जो पुरखे थे उनके नियमों को आप पालन करना चालू करें। पालन करने का मतलब कि अपनी व्यवस्था आप गाँव की इस टाइप की बनावा जिसमें कागज की कोई जगह ना हो, और जहाँ जो काश्तकार है, जो जहाँ बैठे हैं, जो जिस जहाँ बोता है वही उसका मालिक है और वही निर्णय लेगा उसका। जो जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई है ये सिर्फ तभी जीत सकते हैं गाँव वाले, और नहीं तो अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगा रखी है कि वो अपने ही बीच के कुछ लालची लोगों की मदद से, चाहे वो DC हो, चाहे SDM हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, और चाहे ये सफेदपोश हो जिनको आप नेता बोलते हो, या नेता नहीं है असल में ये बागड़ बिल्ले, इनकी मदद से वो अपने ही समाज को खराब करने पर लगे पड़े हैं।
और अपने गाँव को बर्बाद करके जो गाँव की असल जो भारत है उसको ख़त्म करने की कोशिश है, उसको बचाने के लिए गाम राम खड़ा है। इस तरीके से 70 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया है, तो मैं समझता हूँ कि अब कम से कम गाँव को ये एहसास दिलाना होगा सरकार को कि मालिक हम हैं और तुम नौकर हो तो नौकर की तरह बिहेव करो। अब डिमांड नहीं, अब आदेश जारी हो जो कि जनता की तरफ से हो, जो कि ग्राम सभा की तरफ से हो, मेरा तो यही मानना है। देवेंद्र भाई, वैसे मतलब ये जो भी नेता होते हैं किसी भी पार्टी के, वो वैसे एक एक पेड़ लगा के मतलब फोटो खिंचवाते हैं और मतलब थोड़ा बहुत पानी की मतलब बचाओ करके बोलते हैं कि भी पानी बचाओ ये वो, तो ये जो नाश हो रहा है मतलब ये सरकार को दिखाई नहीं देता क्या? सब दिखाई देने की बात नहीं है, ये सब करवाते ही वो लोग हैं। अच्छा। असल में पर्पज ये है, ये सिर्फ टैक्स की बात नहीं है बल्कि जो अवैध तरीके से जो पैसा मिलता है ना, जो SP को जो हफ्ता जाता है, जो DC को जो हफ्ता जाता है और जो नेताओं को जो जाता है पार्टी फंड में जो जाता है, उसका तो आप आकलन भी नहीं कर सकते कि वो कितनी मोटी अमाउंट है, कितना मोटा खेल है ये। और जब गांव इसको अपने हाथ में लेगा और खुद ही अपना क्लेशर चालू कर लेगा, इसको क्रशर चालू कर लेगा और फिर अपना खुद क्रश करना स्टार्ट कर देगा ना जब, तब पता लगेगा गांव वालों को कि इसमें कितना मोटा प्रॉफिट ये लोग खा रहे थे। एक एक गांव, यहाँ एक गांव का अगर ये पहाड़ है ना, ये आसपास के 20-50 गाँव को खाने को दे सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ काम करेगा मजदूर वो बिहार से आएगा, झारखंड से आएगा, गरीब इलाके से आएगा जहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है। यहाँ से जो ट्रक जा रहे हैं वो भी आपके नहीं होंगे, यहाँ जो रोड बन रहा है उस पे काम होगा वो भी आपका नहीं होगा, और यहाँ सिर्फ आपकी तो होगी केवल बर्बादी, आपका पानी खराब होगा, पहाड़ खराब होगा, पर्यावरण खराब होगा, धूल मिट्टी आएगी, सांस की प्रॉब्लम आएंगी, लंग्स के फेफड़ों की बीमारियां आएंगी, वो तो होंगी आपकी, और जो प्रॉफिट होगा वो होगा इन बागड़ बिलों का, और जो रोजगार मिलेगा वो मिलेगा दूसरे स्टेट के लोगों को। अब इसको आप कैसे समझते हो, ये तो आपके। देवेंद्र भाई, ये मतलब ये जो नेता होते हैं कोई भी, इन उनमें इतनी मत कहां से आती है कि ये लोगों की संपत्ति का इस लेवल तक मतलब ये नाश कर देते हैं? उनकी हिम्मत का जो जरिया है वो है लोगों की नासमझी जी और लोगों का एक दूसरे के प्रति टूटे रहना, संगठित ना रहना। इन्होंने कुछ प्रोपेगेंडा चालू किए थे, जैसे बीमा कंपनियों का लाना और छोटी छोटी वो मेंबर बनाने वाली कंपनियां और पॉलिटिक्स यानी कि चुनावी राजनीति, इसके जरिए गांव के अंदर एक दूसरे के लोगों के ऊपर भरोसा टूटता है, क्योंकि ये सारे काम आदमी जान पहचान के आदमी के थ्रू जाता है उनके घर में, और फिर उसके बाद जब वो बात नहीं मानी जाती तो भविष्य के लिए वो रिश्ता टूटना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से हमारे आपस के जो संबंध हैं वो भी, और गांव के लोगों का आपस में जो जुड़ाव था वो भी धीरे धीरे वो इस पॉलिटिक्स ने बहुत तोड़ा है, और उस टूटने की वजह से हर आदमी अकेला महसूस करता है और उसको लगता है कि मेरे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है, इसलिए फिर वो लड़ने से डरता है और खड़ा होकर के आंख में आंख डाल के सवाल नहीं पूछ पाता और नौकर को भी ये नहीं बता पाता कि मालिक मैं हूँ। तो देवेंद्र भाई, जैसे मतलब ये जो इन्होंने पत्थर फोड़ दिया और ये जो पहाड़ है, इसका असली मालिक वैसे कौन सी सरकार या फिर कौन है, कोई ठेकेदार है या फिर कौन मालिक है इसका? गांव मालिक इसका, मालिक है, और गांव के लोगों के पास इसका हिस्सा जाना चाहिए, और यहाँ कैसे काम चलेगा, कौन किस तरह से आगे बढ़ेगा, इसका फैसला गांव को ही करना पड़ेगा। अब गांव को ये समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ये सिर्फ इस गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके भी जंगल कटे हैं, जिनके भी खेत बर्बाद हुए हैं, जिनों भी खेतों में पेस्टिसाइड यूरिया डाल के अपने बर्बाद किए हैं, आराम की जिंदगी जीने के चक्कर में आपने अपने औलादों के लिए एक बहुत गहरी और गंदी खाई खोद दी है। इसको पाटने का एकमात्र तरीका है कि जिनके होते हुए वो खाई खोदी है वही लोग उसको बंद करने का काम चालू करें, और इस तरह की जगह को देख करके अब वो देखो, अब क्योंकि गाँव वाले लोग इतना रिस्क नहीं उठाते, अभी अगर ऐसा हो जाए कि ये जितनी सारी मशीन है सारा गांव लग के सारी मशीन खरीद नहीं सकता क्या, जितनी मशीनें यहाँ लगती हैं, सारा गांव लग के बड़े आराम से खरीद सकता है, गांव खरीद ले और गांव खरीदने के बाद यहाँ अपना काम चालू कर दे और चालू करके फिर उसके बाद अपना सेल करके उसके अपना इंस्टॉलमेंट निकाल दे, और ना भी निकाल दे, कौन बैंक वाले फ्रॉड करते ही है, उनसे लोगे तो उनको बता दो भाई तुम कौन हो, मतलब अडानी के जितने तुमने अभी 94,000 करोड़ रुपया माफ किया उसका क्या, तो 1,00,000 करोड़ रुपया किसी के माफ कर दिए, 2,00,000 करोड़ किसी के माफ कर दिए उसका क्या, मतलब किसान तो आत्महत्या करेगा अगर वो कर्जा नहीं चुका पाएगा, उसकी तो जमीन निलाम होगी, मकान निलाम होंगे। आपने 50 लाख का लोन लिया है, आपको तो पे करना पड़ेगा 1 करोड़ रुपया,
और अडानी ने अगर 1,00,000 करोड़ का लोन लिया है उसको पे करने पड़ेंगे 4,000 करोड़ रुपए। ये खेल चल रहा है बस, और तो क्या। यहाँ पे देवेंद्र भाई जैसे मतलब 2-2.5 महीने से ये रामलवास गांव बैठा हुआ है, तो एक ही गांव बैठा हुआ है यहाँ पे। वहाँ पे दिल्ली में जैसे किसान आंदोलन था उसमें करोड़ों आदमी थे, करोड़ों अरबों आदमी थे, हाँ, तो वहाँ पे 13 महीने बैठे रहे। तो यहाँ पे ये 2 महीने से आदमी जैसे एक ही गांव बैठा है, तो इसके बारे में मतलब क्या समाधान लगता है? गांव वालों को तो अब जो है ना आसपास के गांव में पहुंच जाना चाहिए ये मशाल लेकर के, और जैसे दिए से दीदा जलाते हैं वैसे गांव वाले अगले गांव को समझाते चलें कि असली ताकत जो है वो ग्राम सभा है, और ग्राम सभा की ताकत और उसके जरिए पाने वाले अपने अधिकार हमें खुद पाने होंगे, और अपने बच्चों का भविष्य हमें खुद लिखना होगा। इस तरह की जागरूकता जब गांव-गांव में आएगी तो फिर एक गांव नहीं, फिर तो झारखंड के लोगों के लिए हरियाणा बोलेगा और हरियाणा के लिए छत्तीसगढ़ बोलेगा, और फिर इस तरह से अभी वो अपने सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं तो उधर जम्मू कश्मीर वाले, हाँ ठीक है, लद्दाख को बचाने के लिए, इधर से हसदेव वाले बैठे हैं अपने जंगलों को बचाने के लिए, इधर हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ अपने पहाड़ को बचाने के लिए, कहीं और बैठा है कोई जंगल बचाने, कोई और बैठा है पानी के नाम पर, कहीं और बैठा है जानवरों के नाम पर, कहीं और बैठा है इंजेक्शंस के नाम पर, कहीं बैठे हैं पराईडी के नाम पर, कहीं बैठे हैं किसी और चीज के नाम पर। हम तो बस यही चलता रहेगा, जैसे सारी जिंदगी हमने सिर्फ आंदोलन करने के लिए ही पैदा हुए हैं हम शायद, तो इसलिए अब जो जनता सरकार मोर्चा ने मुहिम चालू करी है कि पूरे हरियाणा के लोगों को एकजुट करेंगे और एकजुट करके एक मुश्त ऐलान होगा कि मालिक जनता है, और उन लोगों को जो विधानसभा में बैठे लोकसभा में बैठे चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक तनख्वाह लेता है, तनख्वाह लेने वाला आदमी नौकर होता है, इसीलिए उनको OIGS बोला जाता है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, और इंडिया गवर्नमेंट प्रधानमंत्री नहीं होता, इंडिया गवर्नमेंट देश की जनता होती है, गांव की जनता होती है। तो गांव के लोगों को अब ये समझना पड़ेगा कि वो मालिक हैं और वो नौकर हैं। मालिक का चालान नौकर नहीं काट सकता लेकिन अब कटवाते हैं। मालिक के जुर्माना नौकर नहीं दिया करता लेकिन वो दे देते हैं, क्योंकि मालिक ने उनको ताकत दे रखी है। अब समय है कि वो ताकत अपनी वापस लेने की। देखते हैं हम लोग इसमें कितना कामयाब होते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हैं। जी धन्यवाद भाई। ये भाई दोस्तों जनता सरकार मोर्चा से देवेंद्र बलारा भाई थे जो यहाँ पे आए हुए हैं भाई, और ये आंखों देखा ये विनाश भाई देख लो। अब दोस्तों दूर दूर की वीडियो में हम देखते हैं कि झारखंड में हसदेव जंगल बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अपने बिल्कुल बगल में ये देख लो भाई, ये हरियाणा में है भाई, चरखी दादरी जिले में ये रामलवास गाँव है, और भाई ये देख लो दोस्तों धरती का लेवल ये है, और ये देखो मैं आपको दिखाऊँ धरती का लेवल केवल ये है, और ये इससे जब नीचे जाके ये देखते हैं तो ये देखो भाई, ये देखो दोस्तों, और ये जो पानी दिखाई दे रहा है ये वाटर लेवल है दोस्तों, ये लगभग 400-450 फीट की गहराई है, और इस पानी से नीचे 150 फीट नीचे तक मतलब इन्होंने ये खनन कर दिया है भाई, और बड़ी बड़ी मोटरों से अब तो ये पानी इकट्ठा हो गया, नहीं तो ये बड़ी बड़ी मोटरों से इस पानी को तोड़ के बाहर फेंकते हैं, और फिर इसके कहाँ से तो लाइन पड़ रही है कटा हुआ भाग दिखाई देता है हाँ हाँ हाँ, वो खम्बे दिखाई देते ट्रांसफार्मर के दो फर्स्ट वाले, हाँ ठीक है, वो उधर जाता था। अच्छा वहाँ से वेस्टेज पता नहीं कहाँ वो क्या बना रखे तो किधर वेस्टेज करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी चबा देखो 2019 से है ना, 2019 से जी भाई लगातार 24 घंटे चबा, अब ये निकलने लग गया ना अभी, हाँ इतना तक आएगा, हाँ वो वहाँ से वो ये चवा निकल रहा है, वो चवा है आपको ऊपर से दिखता है ना, कम से कम 100 फुट तो यही होगा। जी जी जी, अभी 200 फुट नीचे है, बोरिंग कर रखी थी इसके अंदर भी। अच्छा इस पानी से 200 फुट नीचे तक पहाड़ फोड़ दिया, बोरिंग कर रखी है। जी भाई जी भाई, ये जो आपको सामने केबल दिखाई दे रही, 3 केबल डाली हुई थी अंदर, बड़ा पाइपलाइन थी यहाँ पे, और ये दोस्तों ये केबल देखो भाई काले रंग की। अच्छा इसके लिए टिकेगा, अच्छा वो जो बिजली देता है वो, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, 12 पाइपलाइन 24 घंटे 2019 से जी 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 अब तक जी, दो महीने पहले तक जी भाई 12 पाइपलाइनें लगातार इसमें चलती रही, 24 घंटे चलती थी जी, जो लाखों गैलन पानी उधर निकालती थी और बाहर वेस्टेज के लिए इसको छोड़ दिया जाता था। तो इसका पानी, और ये पानी बिल्कुल अमृत है, पीने वाला पानी है बिल्कुल प्योर। ये तो जो पानी, अच्छा अब खराब हो गया, अच्छा इसके अंदर ब्लास्टिंग होती थी, 2-3 क्विंटल बारूद मिक्स कर रोजाना मिक्स होती थी इसके अंदर, इसके कारण पानी कड़वा हो गया बिल्कुल हमारा। जी जी, ये देख लो भाई ये पानी की बर्बादी ऐसे की जाती है, क्योंकि इसके अंदर जब ब्लास्ट करते हैं ना तो उसमें जहर मिल जाता है ब्लास्ट वाला, और इधर उधर जो मतलब पूरे एरिया में ये जहर फिर ये लोग पीते हैं, उसे बीमार होंगे मरेंगे, ये कहानी है भाई। अपना गाँव रामलवास ही है, तब आपका भी, अच्छा अच्छा, तो ये मतलब जो इतनी खनन है ये मतलब कितने साल में कर दिए?
2016 से लगे हुए ये 2016 से तो गांव ने थोड़ा पहले नहीं सोचा जब ये 19 से हम 2019 से गांव लगा हुआ है। मैं ऑब्जेक्शन कर रहा है, हम जब हमारा चौवे का लेवल आ गया था भाई, आपका इसका रूल होता है कि आपको वाटर लेवल आता है ना, उससे 2 मीटर तक ऊपर तक आप खुदाई कर सकते हो। वाटर लेवल जो ये इसे दो मीटर ऊपर तक आप खुदाई कर सकते हो, ठीक है। माने विभाग को लिखा हमने, ठीक है, बताया उनको, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, गांव की कोई सुनाई नहीं की उन्होंने। अच्छा अच्छा। और ना ही हमारे गांव को 2017 से किसी प्रकार की रॉयल्टी मिलती है, जो हमें 2% या 3% जो भी है ना वो दी गई हमें किसी प्रकार। कटिंग है ना वो भी स्टेप बाय स्टेप काटनी थी। अच्छा। पेड़ा के माफी नहीं होता, अच्छा अच्छा, पेड़ा नहीं चढ़ाते मकान ऐसे करना था, इन्होंने स्टेट में काट दिया, वो गया ना, खतरनाक हो गया, खतरनाक हो गया। अभी हम यहाँ से गिर जाए ना बचेंगे नहीं। इसके अंदर तो वन्य पशु गिरते हैं, जिस तरह अपने रोज नील गाय बोलते हैं, काफी गिर चुके हैं अंदर, 3-4 तो मनुष्य मर चुके हैं इनके अंदर, पता ही नहीं कौन कहाँ थे, कहाँ से आए हो पता ही नहीं। इधर से तो डेड पॉइंट मृत्यु का वो बना दिए, तो देखेगा पशु उसको, हाँ यहाँ से पशु आया और सीधा इसके अंदर मरेगा, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा भी ऐसे होगा तो ऐसे जाएगा, रुक ही नहीं सकता कहीं। इन्होंने एकदम डेंजरस से डेंजरस कर दिया है, तो मतलब नहीं है दोस्तों, अपने सड़क तो स्टेप बाय स्टेप बना ली, हमारे वाला इसको छोड़ा ही नहीं एकदम स्ट्रेट, वो उधर भी नहीं छोड़ा, वो जो आस्था का मंदिर उधर है वो बना रखे उधर। दोस्तों ये हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आपको गहराई कम लग रही होगी, लेकिन जब ये इस ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे पैर रख के जब यहाँ पे देखते हैं ना नीचे, तो भाई साहब यहाँ पे मतलब चक्कर आते हैं इंसान को, इतनी गहराई है ये। और भाई मतलब ये देख लो बिल्कुल विनाश कैसे किया जाता है, किसी को कोई मतलब नहीं, कोई सरकार कोई पार्टी किसी को कोई एक्स वाई जेड कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल अपना बंक भरो और भाई अपना फिर अपने आराम से रहो। तो आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा आर्य सत्य प्रकाश है। ये भाई आर्य सत्य प्रकाश भाई यहाँ रामलवास से जी। ये प्रकृति का दोहन और इसका विनाश देखना है तो ये रामलवास गांव में आके देख सकते हो आप। हाँ। इस प्रकार प्रकृति का जलवायु का, हम तो अपने बच्चों को भविष्य के लिए सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हमारे बच्चे अगर हम आगे आने वाले भविष्य में कहेंगे हमारा बाप दादा या किसी ने हमारे लिए प्रयास नहीं किया, तो हम लगातार 2.5 महीने से इसके ऊपर या धरने के ऊपर बैठे हैं। सरकार हमारे ऊपर कोई सुनवाई नहीं करी किसी प्रकार की भी, और उस वाले भविष्य में सरकार हमारे पर किसी प्रकार के कोई आरोप लगा के तो हम पर किसी प्रकार का मान लो ये मारकाट करवा के दूसरे व्यक्ति के माध्यम से ग्राम वालों को बैला फुसला के किसी प्रकार की कोई कार्रवाई कर सकती है, हमें ऐसा अंदेशा है सरकार के ऊपर, किसी भी हद तक गिर सकती होगी। बाबा का रास्ता ये रास्ता था बाबा भैया का, नहीं आगे हमारे रामलास गांव का रास्ता केंद्र था, वो रास्ता यहाँ से आगे रास्ता खत्म कर दिया ठेकेदार ने, पूरा है आगे दिखाया यहाँ तक भाई साहब ये रास्ता यहाँ तक उससे आगे रास्ता खत्म कर दिया है ठेकेदार ने, एकदम खड़ा काट दिया वो भी। तो दोस्तों जो भाई हरियाणा से या फिर ये चरखी दादरी के आसपास से जो वीडियो देख रहा है वो बिल्कुल भाई यदि कोई शक लग रहा हो तो ये विनाश बिल्कुल आगे और दे सकता है भाई। युवा पीढ़ी से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि भाई अंधेरे में न रहे, ये भाई का कहने का ये भावना ये है कि अगली पीढ़ी के लिए यार ये मतलब बचाने की कोशिश हो रही है इस मतलब संसाधन जो प्रकृति ने दिए हैं उनको, तो भाई जागे किसान आंदोलन से कुछ ही को, ये जो धरने हो रहे हैं इनसे कुछ ही को नहीं भाई, यहाँ पे ये न पत्थर रहेगा न पानी रहेगा और यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, और भाई यहाँ पे विनाश के अलावा ये कुछ रहने को वैसे दिखाई दे नहीं रहा है दोस्तों। और भाई यदि आप यदि थोड़े जागरूक हैं तो भाई देखो एक बार आंखों आकर देखें आप, केवल और केवल वीडियो देखने से और ये कमेंट लिखने से कुछ नहीं होने का, इन सभी सिस्टम को आप आंखों से जब देखोगे तो आपको भाई देखो जागरूकता थोड़ी होगी, नहीं तो भाई आप मालिक हो, आपको नौकर ऐसे ही बना के रखा जाएगा पूरी उम्र के लिए, पूरी पीढ़ियों के लिए, उम्र की तो क्या जिक्र है उम्र का, और भाई ऐसे ही मतलब पूरे सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा भाई। ये देखो भाई ये पहाड़ भाई रामलवास का था, ये जो पानी दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पे, ये जो पहाड़ है इससे भी ऊंचा पहाड़ रामलवास गांव का था, और ये जो पहाड़ है ये कौन से गांव का भाई? अच्छा ये जो पहाड़ बच गया ये जो झुका है, अच्छा रामलवास का मतलब पहाड़ की जगह पताल बना दिया। अच्छा अच्छा, ये जो दिख रहा है ये पहाड़ है ऊपर इतना, इससे भी ऊपर था और कहा 400-500 फुट नीचे गहरा ले। और हमारे ये आस्था के अंदर दादा भैया का स्थान है ये। अच्छा। उसके हाथ भी ठेकेदार ने एक बार गिरा दिया थे बंदर ये। अच्छा। फिर गांव वाले ने मिलके या फिर आसपास के 30-40 गांव ने मिलके इसको दंड स्वरूप कुछ किया था, तो इसने कुछ वो भाई मनवा दूंगा, लेकिन आज तक उसने कुछ भी नहीं करवाया। इस प्रकार आस्था के साथ भी खिलवाड़ अपने
देव देवता जो स्थान है उसको आप भी खिलवाड़ करने का प्रयास किया है। हाँ 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 तो हम अपने आसपास के लोगों से आग्रह करते हैं भाई अभियान हमारे अभियान से जुड़े, हम सबका साझा अभियान है ये, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। हम रामलास गांव तो प्रयास कर ही रहा है, हमारे आसपास के छोटी जोजू बलाली बलाली चंदनी जवा बीजना बदवाना गोकल रामबा सब गाँव मिलकर हम प्रयास करेंगे। पानी सबके लिए चाहिए, हमें पानी जरूरत है, हमारी आवश्यकता पहले हफ्ता हमारे पानी है, हमारा आसपास का पानी खत्म हो जाएगा तो हमें और संसाधन की जरूरत ही नहीं है, हमें आसपास का इलाका छोड़ के जाना पड़ेगा कहीं के आसपास के छोटी जोजू बलाली बलाली चंदनी जवा बीजना बदवाना गोकल रामबा सब गाँव मिलकर हम प्रयास करेंगे। पानी सबके लिए चाहिए, हमें पानी जरूरत है, हमारी आवश्यकता पहले हफ्ता हमारे पानी है, हमारा आसपास का पानी खत्म हो जाएगा तो हमें और संसाधन की जरूरत ही नहीं है, हमें आसपास का इलाका छोड़ के जाना पड़ेगा कहीं की। तो हम सबसे आग्रह है ये आप समा हमारा सहयोग करें, और यहाँ भाई देवेंद्र बलारा भी आए हैं, वो हमारे देख रहे हैं कि टीम उनकी टीम साथ में है, वो भी लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं भाई इस अभियान से जुड़े और इसको धरने के प्रदर्शन को सफल बनाए। तो भाई अब ये जैसे मतलब यदि 50-60 गाँव इस रामलवास के अड़ोस पड़ोस के 50-60 गाँव यदि मतलब आकर मदद कर दे तो मतलब इसका समाधान हो सकता है जी, हो सकता क्यों नहीं सकता, ये भी इस चीज का क्या समाधान चाहिए अभी इन्होंने यार पार्टी के जगह पताल तो बनाई दिया, समाधान तो ये अब इसका समाधान क्या चाहिए, अबे समाधान तो ये चाहिए मतलब ठेकेदार क्या प्रयास करेगा भाई मैं दोबारा इस पहाड़ को चलाऊं। हाँ अभी कह रहा मेरा ये जो बता रहा है पानी नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये जो दोस्तों भाई का कहने का मतलब ये है ये जो पानी दिखाई दे रहा है इसे 100 फुट 150 200 फुट तक नीचे तक और खोद दिया, और वो ठेकेदार बोल रहा है कि मेरा नीचे पत्थर बाकी बचा है उसको भी मैं निकाल के ले जाऊंगा, ये पानी है ना इसको। अच्छा बारिश का पानी बोलता है, बारिश का है सोए का पानी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने मुद्दा हमारा यही तो है, ओहो पानी को बारिश का पानी घोषित करवाता है। ठीक ठीक ठीक, जो भी टीमें यहाँ पर आती हैं हम इसका जांच करवाते हैं, जो भी टीमें आगे आती हैं सब पैसों में रिपोर्ट बदली होती है, इस पानी को बारिश का पानी घोषित करते हैं, और पानी ये चवे का पानी है, और इस पानी के नीचे भी 200 फुट तक माइनिंग कर दी है, और कह रहा है ये दोबारा से मैं चालू करूंगा इसको, इस पानी को बाहर निकालूंगा और फिर माइनिंग दोबारा। वो निशान दिखाई देता है ना कट ऊपर, देख वो कहाँ पे, ये दिखे पानी के ऊपर एक कट नहीं है ऊपर। हाँ हाँ है ये रहा, तक ही पहाड़ था इसका। अच्छा 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 अच्छा, ये जो कट तो दिखाई दे रहा है यहाँ तक से बहुत निकाल दी पत्थर, और वो भी फोड़ दिया नीचा कर दिया घना, वो उधर नहीं जाना था उसने। अच्छा अच्छा, वहीं तक ही रहना था। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन वो तो नीचे तक गया, क्या करे दोस्तों। ये देख लो चोर लुटेरों को भाई साहब, यदि कोई धर्मीमान नहीं होता, कोई मतलब उनकी भूख इतनी होती है उनको, कोई मतलब नहीं पानी से, कोई मतलब नहीं गांव आराम से, कोई मतलब नहीं होता किसी से, कोई मतलब नहीं होता भाई अपने खाते पूरे। और भाई ये कहानी है, पेड़ ऐसे आ रहे हैं ना इसमें, हमारा पहाड़ के ऊपर इससे भी ज्यादा दरखत थे। अच्छा, इससे अच्छा, भी ज्यादा। अच्छा, इससे डबल थे। अच्छा अच्छा, तो भाई देखो अड़ोस पड़ोस के जो गांव है, मेरा गांव ऐसे 200 तक डोली है, तो सभी अड़ोसी पड़ोसी गांव से गुजारिश करूंगा भाई रामलवास गांव की मदद करें, नहीं तो देखो आज ये रामलवास गांव के साथ ऐसा हो रहा है, कल हो सकता है ऊन के साथ ऐसा होगा, परसों ये जो गांव बचिया ये जो पहाड़ बच गया जोजू कलागा जोजू के साथ ऐसा होगा, खुद माई के साथ ऐसा होगा भाई, एक एक एको को चुन चुन के निपटा देंगे ये। तो आप सभी दोस्तों से गुजारिश है भाई इस मुद्दे को अनदेखा न करें, और भाई सभी गांव खुद की जो गांव है जो पहाड़ है उनको भाई बचाने की कोशिश करें, और भाई रामलवास गांव की यहां पे आके मदद करें।
हाल है दोस्तों, यहाँ पे पता नहीं कितने नील गायें और कितना क्या कुछ यहाँ पे मतलब मर चुका है। सीधे उधर से भाग कर आते हैं, पीछे यदि कोई कुत्ता काता होता है तो नीलगाय सीधी भाग के और सीधी उधर जाती है, मर जाती है भाई। वैसे बोलते हैं भाई नीलगाय को बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ, फलान बचाओ, दिकड़ बचाओ, तो ये सब कागचू का खेल है, बचाना बुचाना कुछ होता नहीं।